हेलो, मैं हूँ डॉन। मुझे 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की ज़्यादा ढूंढ रही है। और डॉन को जो है किसी के हाथ तो आता नहीं है, जैसे कि आपको पता है। यूरोपियन यूनियन की ढूंढ रही हो, स्वीडन की ढूंढ रही हो, या 11 मुल्कों की ढूंढ रही हो, तो लेकिन हमारे मुल्क की जो उसकी बात ही और होती है। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दफ़ा जापान की मलका का हिरन खो गया जंगल में। अमेरिका की पुलिस आई, उसने 3 दिन तक ढूंढा, वापस आया कहने लगे नहीं मिला। फिर जर्मन पुलिस गई, इसराइल की पुलिस गई, सब नाकाम हो गए। फिर उन्होंने इश्तहार दिया, मुँह मांगे पैसे देंगे। अब पैसों का सोच के फौरन पाकिस्तान की पुलिस गई, कहने लगे हम ढूंढ लेंगे। हमारी पुलिस गई पाकिस्तान की, 1 घंटे बाद आ गई, साथ में हाथी आ रहा था। और हाथी ये कहता जा रहा था कि मैं हिरन हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पुलिस तो कोई भी चीज़ खो जाए, चाहे उसकी जगह हीरे की जगह पत्थर मिल जाए, तो पत्थर भी बोल रहा होगा कि मैं हीरा हूँ। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट पुलिस जो है वो पाकिस्तानी पुलिस है, किसी से कुछ भी कबूल करवा सकती है। अब मैं और क्या कहूँ, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही हमारी पुलिस से, कहते हैं माशाल्लाह से फौरन मिल जाएगी। बस मुजरिम नहीं मिलता, शरीफ आदमी कहता है मैं ही मुजरिम हूँ, वो मिलता है। तो इस तरह होता है। आज हम बाहर आए हैं, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और गर्मी लग रही है, जबकि आप देख लें ये मैं जैकेट पहने हुए हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी खासी धूप है। लेकिन यहाँ का कोई भरोसा नहीं होता, हो सकता है 1 घंटे बाद जो है बर्फ़ गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है जंग जैसी सूरत में, कि किसी वक्त भी जो है सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, बारिश हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। ये है, तो इस धूप में जो है लोगों में इतनी ताकत आ जाती है कि जिनसे चला नहीं जाता वो भागने लगते हैं। इसलिए कि धूप में आपको एनर्जी मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा फुर्तीले वगैरह हो जाते हो। खैर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये है वो पीछे एक बड़ी भी जा रही है, तो इसी तरह है। तो खैर, जो कुछ भी है, बहुत अच्छा मौसम है। और ये जो दरख्त आप देख रहे हैं पीछे जो सूखे पड़े हैं, इनमें कुछ दिन बाद सेब आ जाएंगे, तो सेब का भी हम शेयरिंग करा देंगे, आपको दिखा देंगे। और ये स्टॉकहोम है, स्वीडन का शहर। कोरोना वायरस यहाँ भी है, लेकिन कुछ बंद नहीं हुआ है। ये देखें पीछे, ये बसें वगैरह चल रही हैं, वो जा रही है बस, पीछे बसें जा रही हैं, लोग हम भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं बाहर, स्कूल खुले हुए हैं, और बादल वगैरह दूर पे काले बादल तो आ रहे हैं, शायद आप ये देखें पीछे आपको नज़र आ रहे हैं काले बादल, तो बादल वगैरह भी हैं। कोरोना वायरस का कोई ऐसा चांस है लोगों को, लेकिन ये कि यहाँ पे बंद नहीं किया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि सबको होगा, और अस्पताल मत आओ जब तक इमरजेंसी ना हो, जब तक मरने जैसी हालत ना हो तब तक हॉस्पिटल मत आओ, उन्होंने साफ कह दिया है सख्ती से। तो इस तरह है। ये देखें टैक्सीज वगैरह जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इस तरह ही हो रहा है। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा है, दुनिया के हालात, न्यूज़ मुख्तलिफ़ रस्म की आ रही हैं, दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस किस्म का वायरस फैला हुआ है, जब तक इसका इलाज नहीं निकलेगा तब तक तो लगता है हमसे मिलने भी कोई नहीं आएगा। ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, एयरलाइनें बंद हैं, और वैसे तो स्वीडन में रक्षे भी बंद हैं, इंग्लैंड में भी रक्षे बंद हैं, बस लोग खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं ये बताना चाह रहा था आपको,
कि कोरोना वायरस इंसानों को तो हो रहा है, जानवरों को क्यों नहीं हो रहा है? हैं, लोगों के घर में कुत्ता बिल्ली पले हुए हैं, तो जानवरों को कोरोना वायरस नहीं हो रहा, इंसानों को हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ये मुझे अब तक नहीं समझ आई कि जानवरों को क्यों नहीं हो रहा है। वो तो बेचारे बगैर लॉकडाउन के फिर रहे हैं, बल्कि कल परसों में टीवी पे देख रहा था, इंडिया दिखा रहे थे जिसमें कुत्तों की फौज जा रही थी, तो वो यही कमेंट जा रही थी उसके ऊपर कि इंसानों की जगह आजकल कुत्ते सफ़र कर रहे हैं रोडों पे। तो खैर, यही सूरत हाल है। आजकल एक ऑडियो बहुत मशहूर हो रही है, खातून है न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में, वो वहाँ से कह रही हैं, जो हालात के बारे में बता रही हैं कि भाई कुछ ऐसा किया जा रहा है कि कुछ ख़िलाफ़ भी काम किया जा रहा है, नेचर से हट के अगेंस्ट काम किया जा रहा है, कि जो लोग बीमार हैं उनको कुछ को तो देखा जा रहा है, जो उनके ग्राही हैं उनको देखा जा रहा है, जो ग्राही नहीं है उनको नहीं देखा जा रहा। तो ऐसा भी होता है, जबकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये लोग क्यों नहीं मानते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले तो हम सभी हैं, मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यानी जीसस को तो हम सभी मानते हैं, और जीसस खोमर इज नॉट, मुस्लिम भी बिलीव करते हैं कि जीसस आने वाले हैं, जूस भी बिलीव करते हैं इस बात पे, और क्रिश्चियन भी बिलीव करते हैं, लेकिन मुस्लिम क्रिश्चियन से ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जीसस आएंगे, जीसस खोमर इज नॉट। क्या किया जाए, मैं तो कह रहा हूँ अब आ ही जाना चाहिए ताकि मसले मसाइल हल करें, कम से कम आके ये तो बताएं कि बेवकूफ़ों सारे के सारे मुझे मानते हो, उसके बावजूद आपस में लड़ रहे हो गधों की तरह। लेकिन मसला ये है कि जैसे समंदर में बड़ी मछलियाँ छोटी को खा जाती हैं, अगर वो नहीं खाएंगे तो पेट कैसे भरेगा, इसी तरह बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को खा रहे हैं, क्योंकि अपना रूल दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, यानी अपनी मर्ज़ी से गधों को बिठा देते हैं, और वो गधे जो हैं वो ढीचू 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 करते रहते हैं, लूटते रहते हैं मुल्क को, आप लोग लूटते रहते हैं, क्योंकि आप लोग भी कुछ कम नहीं है ना, उन्हीं के साथ हैं, वोट भी उन्हीं को देते हैं, जो ज़्यादा पिटाई करता है उसी को वोट देते हैं आप लोग, तो ना दे वोट किसी सही आदमी को, दे पढ़े लिखों के दें, कम अज़ कम ये तो देख लिया करें कि जो आदमी आपको आपके ऊपर रूल कर रहा है वो बिल्कुल जाहिल होता है, मैट्रिक फेल होता है, उसकी बातों से क्या, आप असेंबली में बैठे हुए लोगों को देख लें, देखें ब्रिटिश पार्लियामेंट है, लकड़ी की कुर्सियों पे बैठते हैं वो, कभी आप देखें, ठीक है ना, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, पता नहीं कितने मुल्कों में अभी भी हुकूमत है उनकी, अंदर खाने, लेकिन लकड़ी की बेंचों पे पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ तो बादशाह का महल है, महल में बैठते हैं, जाहिर बात है आप देख लें, यानी तमीज़ आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बिल्कुल लेटे हुए होते हैं कुर्सी के ऊपर और टांगे खोल के बैठे हुए होते हैं, या टांग पे टांग रख के बैठे हुए होते हैं रिलैक्स होके। तो किसी के आदमी जाता है, किसी घर जाता है, किसी कहीं मीटिंग करता है, कुछ करता है, तो कम से कम बैठने का एक अंदाज़ होता है, वहाँ पे देखें बैठने से लगता है कि कितने बड़े जाहिल बैठे हुए हैं। तो इस तरह है, क्या किया जाए इन लोगों का, बल्कि उनका कसूर नहीं, कसूर तो हमारा ही है ना, हम अगर ऐसे आदमी को वोट दें जो हमारे काम करे, और जब काम नहीं करे तो फौरन वोट देना बंद कर दें, अगले साल वोट ही नहीं दें। आपको लूटने का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि बल्दियाती इलेक्शन मत कराओ, और किसी गधे बैरिकेड को बिठा दो, नकल पास को भी कोई बैरिकेड बैठा हो, आप उसको देख लें, आप उसको कोई सवाल कर लें, अकलमंदी का आएगा ही नहीं, जाहिल होगा, फौरन आप पहचान लेंगे। जाहिल की पहचान क्या है मैं आपको बताता हूँ, जाहिल की पहचान ये है कि वो स्कूल को सकूल कहता है। अगर आदमी स्कूल जाता है और पढ़ता है तो कम से कम उसको अल्फाज तो सही तरह अदा करता है,
तो जाहिल आदमी जो होता है वो स्कूल को सकूल कहता है, और जब स्कूल लिखता है तो उसमें अलिफ नहीं लिखता, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जाहिल है। पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं वैसे तो। इस तरह है, जब तक एक वक्त ऐसा आने वाले वक्त में अगर गलत फ़ैसला किया तो इस दफ़ा तो फ़कीर नहीं हुए, अगली दफ़ा ज़रूर हो जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से पूरा कारोबार तबाह हो गया, और आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे, लेकिन लग रहा है मुझे कि आने वाले वक्त में बहुत ही माशी प्रॉब्लम होगी, कहत कहत जैसी हालत हो सकती है। लेकिन आप लोग खुश नसीब हैं, हम लोग इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग के हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर कंट्री में खाना पीना तो हमेशा रहेगा ही ना। ये है, देख लें, तो एग्रीकल्चर कंट्री जो होते हैं वहाँ पे हमेशा जो है खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इन मुल्कों में होती है प्रॉब्लम। तो खैर, हमने सोचा, देखें ये धूप चली गई है, अब रालुद हो गया है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, पल में तोला और पल में माशा। अभी हमने यहाँ हम आए हुए हैं किसी के घर मिलने, तो यही सोच के निकले थे बाहर के, चलो बाहर चलें, धूप धूप निकली है, अच्छा है, यहाँ पे धूप निकलती है तो लोग बहुत खुश होते हैं, हैरान भी होते हैं कि आज धूप कैसे निकल आई। और इसी तरह इनका मौसम जब हमारे यहाँ होता है तो हम भी खुश होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा मौसम नहीं होता, क्लाउडली वेदर हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के यहाँ होता है। तो ये है, जो चीज़ इंसान को कम मिलती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो हर वक्त नसीब होती है उसकी वक्त उसकी वैल्यू नहीं होती। ये है, अब सोना दुनिया में कम निकलता है तो उसकी वैल्यू है, अगर सोना लोहे की तरह निकल रहा होता तो फिर सिल्वर के भाव होता या एल्युमिनियम के भाव होता। ये है, तो बस दोबारा बारिश जैसे हालात हो गए, और क्या कहते हैं, बैठना चाहिए कहीं जाके। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप कलौंजी खाएं। मैं लोगों से कहता हूँ अक्सर कलौंजी खाओ, लेकिन लोग खाते ही नहीं है कलौंजी। अच्छा, सबसे मज़े की बात है, दुनिया में कोई चीज़ ईजाद हो या ना हो, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी जो है कोई ना कोई दवा ईजाद कर ही लेते हैं। कलौंजी खाओ, सौंफ खाओ, अजवाइन खाओ, यानी इससे अच्छा ये नहीं कि हम एक एक चमचा रोज़ाना सुबह उठ के गर्म मसाले ही खा लिया करें और पानी पी लिया करें ऊपर से। तो ये है, दुनिया में कोई ऐसा इलाज ही नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो किसी के पास। वो रोड पर बैठा हुआ जो दवाएँ बेच रहा होता है ना, कैप्सूल जिसमें वो पता नहीं लोहा भरा होता है क्या, कि मैग्नेट लगाता है तो उसमें चिपक जाता है सारा कुछ कैप्सूल। ये है, तो ख्याल रखें, मौसम जो है बारिश जैसा हो गया है, और मैंने आपको वो कहानी तो सुनाई दी थी हिरन वाली, कि हमारी पुलिस चाहे तो हाथी भी अपने आप को हिरन कह के आ जाएगा, इसी तरह होता है। चलें, खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और दोबारा वीडियो देखने के लिए आइंदा और भी हम वीडियो देते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा ख़ास मौजू नहीं है, सियासत पे बात कर करके जो है हम थक गए हैं। बाकी मैं तो कह कह के आप लोगों को थक गया हूँ कि भाई किसी इंसान को वोट दे दें इस दफ़ा, इलेक्शन तो होंगे ना, वैसे तो आपको क़ीमा नान की ऑफ़र की जाएगी, पराठे कबाब हर चीज़ की ऑफ़र की जाएगी, और इलेक्शन आने से एक साल पहले जो तरक्याती काम भी शुरू हो जाएंगे, रोडें बनना शुरू हो जाएंगी, सारा कुछ के जैसे बस बिल्कुल एकदम जाग जाएंगे सब लोग, और इलेक्शन के बाद सब सो जाएंगे। जो इलेक्शन के बाद आपके आएगा वो फिर 5 साल बाद ही आएगा। वैसे मैं तो कहता हूँ बस
पाँच साल बाद वो ना आया करे, उसका कोई बेटा बेटा आ जाया करे। अब देखें ना, बिलावल आने वाले हैं, तो आइंदा इलेक्शन में बिलावल खड़े होंगे, वो सब कुछ उन्हीं का सिस्टम चलेगा। अब तो बिल्लो रानी, वो जो शेख रशीद हैं, उन्होंने तो नाम रखा हुआ उनका बिल्लो रानी। अब इस लफ्ज पे मुझसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, शेख रशीद से लड़ें जिसने नाम दिया है। चलें, खैर, बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसी लगी वीडियो। खुदा हाफिज़।